अब है वेस्टइंडीज दौरे की बारी, पूरी है टीम इंडिया की तैयारी। वेस्टइंडीज पहुंचते ही खिलाड़ियों ने मचाया धमाल। टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा अब खत्म हो चुका है। भारतीय टीम के लिए ये दौरा काफी शानदार रहा। भारत ने इंग्लैंड में वनडे और टी20 सीरीज जीती और भारत का अगला मिशन है वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलना। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम चार्टर्ड फ्लाइट से वेस्टइंडीज पहुंच चुकी है। वेस्टइंडीज पहुंचते ही भारतीय खिलाड़ियों ने मौज मस्ती करनी भी शुरू कर दी है। आप खुद देखिए कैसे चार्टर्ड फ्लाइट से निकलते हुए टीम इंडिया के खिलाड़ी मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो देखिए कैसे टीम इंडिया के खिलाड़ी मस्ती कर रहे हैं और कोच राहुल द्रविड़ भी खिलाड़ियों के साथ मजा कर रहे हैं। कई खिलाड़ियों को मिला आराम। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। इनमें रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। हालांकि वनडे सीरीज के दौरान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत वेस्टइंडीज में ही छुट्टियां बिताएंगे। रोहित की छुट्टी की वजह से शिखर धवन वनडे सीरीज में कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। चलिए आपको बताते हैं कि इस वनडे सीरीज के लिए कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा इस सीरीज के लिए वाइस कैप्टन होंगे। शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। तो टीम तो आपने देख ली, चलिए अब आपको वनडे सीरीज के शेड्यूल के बारे में भी बता देते हैं। टीम इंडिया फिलहाल सीधे पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंची है, तो ऐसे में वनडे सीरीज के सभी मुकाबले त्रिनिदाद के मैदान पर खेले जाएंगे। इस सीरीज का पहला मुकाबला होगा 22 जुलाई को पोर्ट ऑफ स्पेन में, दूसरा मुकाबला 24 जुलाई को खेला जाएगा, तीसरा और आखिरी मैच 27 जुलाई को पोर्ट ऑफ स्पेन के मैदान पर होगा। 27 जुलाई को टीम इंडिया की वनडे सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही रोहित शर्मा और ऋषभ पंत टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। इसके बाद भारतीय टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज भी खेलेगी। चलिए आपको बताते हैं कैसा होगा 5 मैचों की टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल। टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 29 जुलाई को होगा और ये त्रिनिदाद के मैदान पर खेला जाएगा। इस टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 2 अगस्त को सेंट किट्स के मैदान पर होगा। सीरीज का चौथा मुकाबला 6 अगस्त को फ्लोरिडा यानी अमेरिका में खेला जाएगा। पांचवा और सीरीज का आखिरी टी20 मैच 7 अगस्त को फ्लोरिडा में, ये भी अमेरिका में ही खेला जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरीके से भारतीय टीम ने इंग्लैंड को उसके घर में घुसकर वनडे और टी20 सीरीज हराई है, क्या ये टीम इंडिया वेस्टइंडीज में भी यही कमाल कर पाएगी? क्या शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया वनडे सीरीज जीत पाएगी? क्या टीम इंडिया फिर इसके बाद वेस्टइंडीज में रोहित शर्मा की कप्तानी में भी सीरीज जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।